नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। आज बात करेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई का सीधा असर अब आम जन की जेब पर पड़ रहा है। एक तरफ जहां लोगों को कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाली चीजों में बढ़ोतरी से दोगुनी मार झेलनी पड़ रही है। जुलाई महीने की पहली तारीख से ही, यानी कि आज से ही, एलपीजी सिलेंडर सहित कई और चीजों के दामों में वृद्धि हो रही है। इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमूल दूध के बड़े दाम। अमूल दूध ने आज से अपने दामों में बढ़ोतरी की है। आज से अमूल के मिल्क प्रोडक्ट महंगे मिलने वाले हैं। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया है। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं, जिसकी जानकारी कंपनी की तरफ से बुधवार को दे दी गई। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज से बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दामों में फिर बढ़ोतरी की है। एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी सिलेंडरों के दाम में वृद्धि होने से राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव अब 834 रुपए हो गया है, जबकि 19 किलो वाले सिलेंडर का दाम 76.50 रुपए बढ़ाकर 1550 रुपए कर दिया गया है। बैंकिंग सर्विस ने भी बढ़ाए दाम। देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब पैसा निकालने पर चार्ज बढ़ा दिया है। अब ग्राहक महीने में 4 बार ही पैसा निकाल पाएंगे। अगर इससे अधिक बार ब्रांच से पैसा निकाला गया तो 15 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। सिर्फ ब्रांच ही नहीं बल्कि SBI के ATM पर भी यही नियम लागू होगा। स्टेट बैंक ने इसके अलावा चेक को लेकर भी चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया है। अब किसी भी खाता धारक को एक वित्तीय वर्ष में 10 चेक मुफ्त में मिलेंगे। इससे अतिरिक्त के लिए उसको चार्ज देना होगा। SBI के अलावा एक्सिस बैंक, IDBI बैंक ने भी अपने SMS चार्ज, लॉकर चार्ज में बदलाव किया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।